आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल एक शख्स ने रोड शो के दौरान थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद से दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है और आप इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं तो बीजेपी ने इसे प्रायोजित थप्पड़ बताया है। घटना के बाद कांग्रेस ने पूछा है कि जब केजरीवाल की टीआरपी घटती है तभी थप्पड़ क्यों पड़ते हैं। बता दें कि कल की ये घटना तब की है जब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आप उम्मीदवार ब्रजेश गोयल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला शख्स उनसे नाराज था। रोड शो के दौरान ही युवक ने अचानक उन पर थप्पड़ मार दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से ये रोड शो चल रहा था और अचानक से ये शख्स आया। इसने तुरंत हाथ उठाया और देखते ही देखते थप्पड़ मार दिया और तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल को संभाला। देखते ही देखते इस युवक तत्काल आया और थप्पड़ मार कर लोगों ने इसे तुरंत पकड़ भी लिया। ये घटना कल शाम की बताई जा रही है। और वहीं इस शख्स का नाम सुरेश बताया जा रहा है, जो कि दिल्ली के ही कैलाश पार्क इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। और केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उसने थप्पड़ मारने के बाद क्या सोचा था, क्या सोची समझी उसकी साजिश थी, इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है। अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल